हेलो एवरीवन, आप सभी का चीजी कोड में स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर में हम देखेंगे कि लीनियर लेआउट क्या होता है एंड रिलेटिव लेआउट क्या होता है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सो व्हाट इज लीनियर लेआउट? लीनियर लेआउट, जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है, ये व्यूज को लीनियरली अरेंज करता है, इधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब क्योंकि दो वैल्यूज हैं इसकी, तो जब भी आप लीनियर लेआउट डिफाइन करेंगे तो आपको एंड्रॉयड को बताना पड़ेगा कि आपको ओरिएंटेशन इसकी कैसे सेट करनी है, इधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। सो फॉर दैट हमारे पास एक एट्रीब्यूट है एंड्रॉयड कोलन ओरिएंटेशन, जहाँ पे आप इसकी डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो इसकी ओरिएंटेशन होती है वो होती है इसकी हॉरिजॉन्टल। अगर आप इसकी ओरिएंटेशन नहीं डिफाइन करेंगे तो वो इसको हॉरिजॉन्टली ट्रीट करेगा एंड वो आपके व्यूज़ को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देगा। अगर इसको सिर्फ पिक्चर्स की टर्म्स में समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सेट ऑफ बटन्स हैं, उन्हें मुझे वर्टिकली अरेंज करना था तो मैंने लीनियर लेआउट का यूज़ किया और उसकी जो ओरिएंटेशन वहाँ पे डिफाइन करी वो करी वर्टिकल। अगर मेरे पास सेट ऑफ बटन्स हैं और उन्हीं बटन्स को मुझे हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है तो मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट का यूज़ करूँगा और उसकी ओरिएंटेशन दूंगा हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है, ये मेरी लेआउट फाइल है। यहाँ पे हमने एक लीनियर लेआउट डिफाइन किया हुआ है जिसकी विड्थ एंड हाइट मैच पैरेंट है। इसके अंदर दो बटन्स डिफाइन करते हैं, रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं, बटन वन। इसी की कॉपी एक और चिपकाते हैं, यहाँ पे इसको रीनेम कर देते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे बटन टू चिपकाया तो वो हॉरिजॉन्टली प्लेस करने लग गया। लीनियर लेआउट पे कोई ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट नहीं है एंड बाय डिफॉल्ट क्योंकि इसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है तो ये जो बटन्स हैं वो हॉरिजॉन्टली प्लेस हो रहे हैं। अगर मैं इसमें एक और बटन कॉपी करके पेस्ट करूँ, ये जो बटन है इसको बटन थ्री कर देते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली प्लेस हो रहे हैं। नाउ अगर मुझे इन्हें वर्टिकली अरेंज करना है, इन बटन्स को मुझे वर्टिकली अरेंज करना है तो यहाँ पे मैं ओरिएंटेशन दूंगा, अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन दूंगा वर्टिकल, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्टिकल किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बटन्स हैं वो वर्टिकली प्लेस्ड हो गए। सो ये सिंपल सा एक लीनियर लेआउट है, ये सबसे ईजी लेआउट होता है एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। सो उसके बाद देखते हैं कि एंड्रॉयड वेट प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है। उसके लिए यहाँ पे इसको वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं एंड इसकी हाइट को मैच पैरेंट से रैप कंटेंट कर देंगे। उसके बाद ये जो बटन है इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये दो बटन है एंड ये जो लीनियर लेआउट है उसकी जो हाइट है वो है रैप कंटेंट एंड जो विड्थ है वो है मैच पैरेंट। लीनियर लेआउट की बाउंड्री को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लीनियर लेआउट है, उसके अंदर मेरे दो बटन्स हैं। लेआउट अंडरस्कोर वेट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि लीनियर लेआउट अपने चाइल्ड व्यूज को कैसे डिस्प्ले करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लीनियर लेआउट है एंड इसके चाइल्ड व्यूज हैं ये दो, बटन वन एंड बटन टू। फॉर द टाइम बिंग हम देखेंगे कि विड्थ कैसे कैलकुलेट होती है, यहाँ पर हम विड्थ का केस कंसिडर करते हैं। सो लीनियर लेआउट अपने चाइल्ड व्यूज़ की विड्थ का कैलकुलेशन कैसे करता है? इसके लिए क्या होता है कि पहले एक साइकिल चलता है, उसमें वो लेआउट अंडरस्कोर विड्थ प्रॉपर्टी को कंसिडर करके व्यूज़ को रेंडर कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैप कंटेंट है एंड रैप कंटेंट है, तो उसने फर्स्ट गो में उन दोनों को ऐसे रेंडर कर दिया। उसके बाद वो चेक करता है कि किसी चाइल्ड व्यू पे लेआउट अंडरस्कोर वेट प्रॉपर्टी डिफाइंड है। तो यहाँ पे अगर सिनेरियो लेते हैं कि सपोज सिर्फ एक चाइल्ड व्यू पे डिफाइंड है तो उसकी रेंडरिंग कैसे होगी? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा स्पेस है। तो अगर मैं किसी भी चाइल्ड व्यू पर लेआउट अंडरस्कोर वेट की प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ तो जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो उस चाइल्ड व्यू को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लेआउट अंडरस्कोर वेट प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ मैं, तो सपोज मैंने 1 दे दी तो जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस था वो इस बटन 1 को मिल जाएगा। ये एक सिनेरियो था। नाउ सपोज कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है उसका 70% हिस्सा जो है वो हमारे बटन 1 को मिले एंड जो 30% हिस्सा है वो बटन 2 को मिले, तो उस केस में हम लेआउट वेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। सो इस सिनेरियो में लेआउट वेट को मैं दूंगा यहाँ पर 70 एंड नीचे वाले को मैं दूंगा 30। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बटन 1 है उसको मिला है 70% एंड जो बटन 2 है उसको मिला 30%। इन दोनों का जो सम है वो 100 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे आप 0.7 या 0.3 भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं लीनियर लेआउट ने रेंडरिंग कैसे करी है। उसने देखा दोनों पर विड्थ डिफाइंड है तो उसने दोनों की रैप कंटेंट के बेसिस पर रेंडर कर दिया। सेकेंड लूप में उसने चेक किया कि दोनों पर वेट डिफाइंड है तो उसने देखा कि पहले वाले पे 70 वेट है एंड दूसरे वाले पे 30, तो स्क्रीन का 70% स्पेस बटन 1 को दे दिया एंड स्क्रीन का 30% स्पेस जो है वो बटन 2 को दे दिया। इस तरीके से लीनियर लेआउट रेंडरिंग करता है। नाउ सपोज कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें मुझे इन दोनों बटन्स को 50-50 स्पेस देना है, तो मैं यहाँ पे लेआउट वेट को 50 और नीचे वाले को भी 50 कर दूंगा। सो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ने 50-50 स्पेस ले लिया, बट इस केस में एक परफॉर्मेंस इशू है, तो वो देखते हैं कैसे है। लीनियर लेआउट विड्थ कैलकुलेट करने के लिए पहली बार एक लूप चलाएगा एंड विड्थ के बेसिस पर उनको रेंडर कर देगा, तो दोनों की विड्थ है रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट। नाउ नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि दोबारा लूप चलेगा और वो चेक करेगा दोनों पर वेट है 50-50, तो वो क्या करेगा, दोनों को 50-50 स्पेस अलॉट कर देगा स्क्रीन साइज का। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट वाला
विड्थ की कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन लेआउट अंडरस्कोर विड्थ, वो रिडंडेंट है, मतलब वो एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं उसको यहाँ पे 0 dp डिफाइन कर देता हूँ, अगर मैं दोनों को 0 dp डिफाइन कर देता हूँ, तो भी हमारा ये जो है ये 50-50 स्पेस लेगा। तो हम देखते हैं दोबारा से कैसे रेंडरिंग हुई। पहले उसने विड्थ कैलकुलेट करी, उसने देखा 0 dp 0 dp, वो आगे पढ़ गया। नेक्स्ट लूप में गया, उसने चेक किया दोनों पर वेट डिफाइंड है 50-50, तो उसने क्या किया, जो दोनों बटन थे उनको 50-50 अलॉट कर दिया। सो इससे क्या हुआ, जो हमारी पहले वाली कैलकुलेशन थी वो बच गई, तो इससे हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो गया। सो समराइज़ करते हैं लीनियर लेआउट को, रिलेटिव लेआउट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। समराइज़ करने के लिए इस इमेज को देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लीनियर लेआउट, ये फर्स्ट केस है जिसमें दोनों की जो विड्थ है वो है रैप कंटेंट, तो ये जो बटन्स हैं वो ऐसे डिस्प्ले हुए हैं, ये एक्स्ट्रा स्पेस है। नेक्स्ट केस में हमने लेआउट वेट लिया था, लेआउट वेट में पहले वाले को 70 दिया, दूसरे वाले को 30, तो जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो डिवाइड हो गया इन दोनों बटन्स में, तो पहले वाले को 70% स्क्रीन का मिला और दूसरे वाले को 30%। उसके बाद जो केस है जिसमें हमने दोनों को 50-50 करना था, तो हमने लेआउट वेट के थ्रू दोनों को 50-50 कर दिया, बट इस केस में परफॉर्मेंस के लिए हमने दोनों की जो विड्थ है वो 0 dp सेट कर दी। इससे क्या होगा, जो आपका फर्स्ट साइकिल है जिसमें आप लेआउट विड्थ के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, वो आपकी बच जाएगी। सो ये था हमारा लीनियर लेआउट। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट है क्या? रिलेटिव लेआउट व्यूज़ को रिलेटिवली अरेंज करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप व्यूज़ को या तो अपने पेरेंट के रिलेटिव प्लेस कर सकते हैं या अदर चाइल्ड व्यूज़ के। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इमेज को देखते हैं। सपोज़ ये जो ब्राउन बाउंड्री है ये एक पेरेंट है, सो जो ये व्यू वन है वो अपने पेरेंट के रिलेटिवली प्लेस्ड है। मैं ये कहता हूँ कि जो व्यू वन की लेफ्ट एज है वो इसके पेरेंट के लेफ्ट एज से मिली हो, और व्यू वन की जो टॉप एज है वो अपने पेरेंट के टॉप एज से मिली हो। तो इस तरीके से जो व्यू वन है वो अपने पेरेंट के रिलेटिवली प्लेस्ड है। सिमिलरली अगर व्यू टू का एग्जांपल लें, तो व्यू टू जो है वो ये कहता है कि मैं व्यू वन के जस्ट नीचे हूँ। तो इस केस में जो व्यू टू है वो अपने चाइल्ड व्यू यानी व्यू वन के रिलेटिवली प्लेस्ड है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे व्यू फोर है ये अपने पेरेंट के रिलेटिव है। अगर हम यहाँ पे व्यू थ्री को देखें तो ये अपने पेरेंट के रिलेटिव भी है और अपने चाइल्ड व्यू के रिलेटिव भी है। ये कहता है जो व्यू थ्री की राइट एज है वो अपने पेरेंट के राइट एज से मिली हुई है और ये राइट ऑफ व्यू टू है, मतलब व्यू टू के राइट में है। सो इस तरीके से आप अपने व्यूज़ को अरेंज करते हैं रिलेटिवली इधर टू इट्स पेरेंट, या तो उसके पेरेंट के रिलेटिव आप प्लेस करेंगे या अदर चाइल्ड व्यूज़ के। तो आपको व्यूज़ पर कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने होते हैं जिनकी वजह से एंड्रॉयड इन्हें इस तरीके से रेंडर करेगा। तो देखते हैं वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं। सो जैसा कि हमने देखा कि हम अपने चाइल्ड व्यूज़ को या तो हम पेरेंट के रिलेटिव प्लेस कर सकते हैं या अदर चाइल्ड व्यूज़ के रिलेटिव प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली जो एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें अपने चाइल्ड व्यू पे डिफाइन करने हैं वो भी इसी तरीके से डिवाइडेड हैं। सो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइंड हैं, ये ट्रू फॉल्स वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कह रहा है अलाइन पेरेंट टॉप, इसका मतलब ये है कि जो मेरे चाइल्ड व्यू की जो टॉप एज है वो मेरे पेरेंट की टॉप एज से मिली हुई हो। या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू होगा तो आपके जो चाइल्ड व्यू की टॉप एज है वो आपके पेरेंट के टॉप एज से मिली हुई होगी। सिमिलरली इस एट्रीब्यूट के थ्रू आपके चाइल्ड व्यू की राइट एज आपके पेरेंट के राइट एज से मिल जाएगी, और बाकी सारे भी इसी तरीके से वर्क करते हैं। इसके बाद और पेरेंट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स देखें तो आप अपने कंट्रोल्स को सेंटर भी कर सकते हैं, इधर सेंटर हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, वर्टिकली कर सकते हैं, या दोनों को केस में सेंटर इन पेरेंट होता है, यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों सेंटर करना है तो आप सेंटर इन पेरेंट का यूज़ करेंगे। तो इसको कोड में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल रिलेटिव लेआउट है जिसके अंदर अभी कोई चाइल्ड व्यूज़ नहीं है। तो सबसे पहले डिज़ाइन व्यू के थ्रू देखते हैं रिलेटिव लेआउट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक बटन ड्रैग करता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बटन ड्रैग किया तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है ये अलाइन पेरेंट लेफ्ट एंड अलाइन पेरेंट टॉप, क्योंकि ये जो बटन है ये मैंने बिल्कुल लेफ्ट में रखा हुआ है तो इसलिए ये अलाइन पेरेंट लेफ्ट एंड अलाइन पेरेंट टॉप दिखा रहा है विद मार्जिन। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँ, बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे ले जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे टॉप की तरफ ड्रैग किया तो यहाँ पे अलाइन पेरेंट लेफ्ट एंड अलाइन पेरेंट टॉप दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे इस व्यू को बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे प्लेस करना है। सिमिलरली अगर मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँ बिल्कुल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलाइन पेरेंट लेफ्ट ट्रू होगा एंड अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू होगा। तो मैं सपोज इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं वो क्या बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू है इसका, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरा चाइल्ड व्यू है उसका जो बॉटम एज है वो पेरेंट के बॉटम एज से मिला हुआ हो, इसके लिए मुझे अलाइन पेरेंट बॉटम को ट्रू करना पड़ेगा। सिमिलरली अलाइन पेरेंट लेफ्ट का मतलब ये है कि जो मेरे चाइल्ड व्यू की लेफ्ट एज है वो मेरे पेरेंट की लेफ्ट एज से मिली हुई हो, तो उसके लिए मैंने अलाइन पेरेंट लेफ्ट का यूज़ किया है। अभी स्टार्ट को अवॉइड करते हैं, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं इन चाइल्ड व्यूज़ को प्लेस कर सकता हूँ।
अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी अलाइन राइट जो है अलाइन पेरेंट राइट यूज़ कर सकता हूँ और इसे ट्रू कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये अलाइन पेरेंट राइट एट्रीब्यूट ऐड किया इसके अंदर, तो जो इसकी राइट एज है, इस चाइल्ड व्यू की राइट एज है, वो पेरेंट की राइट एज से जुड़ गई। इस केस के अंदर इसने लेआउट विड्थ को इग्नोर कर दिया। इस तरीके से आप अपने चाइल्ड व्यूज़ को प्लेस कर सकते हैं पेरेंट के एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके। अभी के लिए मैं इन सब एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देता हूँ। जितने भी मेरे अलाइनमेंट के एट्रीब्यूट्स थे उन्हें मैंने रिमूव किया, तो बाय डिफॉल्ट जो रिलेटिव लेआउट का प्लेसमेंट होता है वो होता है टॉप लेफ्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये एट्रीब्यूट्स रिमूव किए तो ये जो बटन है ये एकदम टॉप लेफ्ट पे आ गया। इस बटन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ बटन 1 BTN1 की इसे आईडी दे देते हैं। सो उसके बाद देखते हैं कि अगर मुझे इस बटन को हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है सेंटर हॉरिजॉन्टल और इसको मैं ट्रू कर दूंगा तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इसे वर्टिकली सेंटर करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा सेंटर वर्टिकल और ट्रू कर दूंगा तो ये वर्टिकली सेंटर हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे इसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर करना है तो उसके लिए एक अलग एट्रीब्यूट है सेंटर इन पेरेंट, तो मैं उसको ट्रू कर दूंगा। इस तरीके से आप अपने चाइल्ड व्यूज को सेंटर कर सकते हैं। ये थे हमारे पेरेंट रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। उसके बाद देखते हैं कि अगर हमें अपने चाइल्ड व्यू को दूसरे चाइल्ड व्यूज़ के रिलेटिवली प्लेस करना होगा तो हम कौन से एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट अंडरस्कोर अलाइन टॉप, लेआउट अंडरस्कोर अलाइन राइट, ये सिमिलर एट्रीब्यूट्स हैं जैसे इसके पेरेंट के एट्रीब्यूट थे, बट इस केस में ये ट्रू और फॉल्स नहीं लेते। इस केस में यहाँ पर आप दूसरे चाइल्ड व्यू की आईडी पास करते हैं जिसके रिलेटिवली आपको प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यूज़ करना है अलाइन टॉप, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लेआउट अंडरस्कोर अलाइन टॉप इक्वल टू उस चाइल्ड व्यू की आईडी पास करेंगे। तो अलाइन टॉप का मतलब ये होगा कि जो आपके चाइल्ड व्यू की टॉप एज होगी और जो दूसरे चाइल्ड व्यू की टॉप एज होगी वो सिमिलर हो जाएगी। तो इसको कोड में समझते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बटन है इसकी मैं एक कॉपी बनाता हूँ और इसको नीचे प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बटन 2 और इसकी आईडी को कर देता हूँ बटन 2 और इसमें से ये सेंटर इन पेरेंट का कोड हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बटन 2 यहाँ पे विजिबल है। सो अब मैं चाहता हूँ जो मेरे बटन 2 की जो टॉप एज है वो मेरे बटन 1 की टॉप एज के साथ जुड़ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लेआउट अंडरस्कोर अलाइन टॉप। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आईडी दूंगा बटन 1 की। तो जैसे ही मैंने बटन 1 की आईडी यहाँ पे दी तो ये इसके अलाइन हो गया, तो इन दोनों की जो टॉप एज है वो अलाइन होगी। सिमिलरली आप यहाँ पे अलाइन राइट अलाइन लेफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। अलाइन राइट यूज़ करते ही दोनों एक ही लाइन में आ गए क्योंकि जो इनकी राइट एज है वो अलाइन हो गई। इस तरीके से आप अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं अपने व्यूज़ को प्लेस करने के लिए। सो ये कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी मदद से आप अदर चाइल्ड व्यूज़ के रिलेटिवली प्लेस कर सकते हैं, तो इसको भी कोड में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अलाइन राइट यूज़ किया था, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एट्रीब्यूट है लेआउट अंडरस्कोर टू राइट ऑफ। अगर मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ बटन 1 तो ये जो बटन 2 है ये इसके राइट में चला जाएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं तो यहाँ पे मैं इन दोनों का बॉटम भी अलाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेआउट अंडरस्कोर अलाइन बॉटम और यहाँ पे मैं बटन 1 की आईडी दूंगा। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे अलाइन बॉटम दिया तो जो बटन 2 का बॉटम था वो बटन 1 के बॉटम के साथ अलाइन हो गया। एंड क्योंकि यहाँ पे टू राइट ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ किया लेआउट टू राइट ऑफ, तो जो बटन 2 है वो बटन 1 के राइट में आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी लेआउट अचीव कर सकते हैं।